आसमान से हो रही आफत की बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। धर्मनगरी वाराणसी में भी मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां पर मां गंगा की जो उफनाती लहरें हैं वो लोगों के अंदर सिदहन पैदा कर रही हैं और अब डराने लगी हैं। फिलहाल चारों तरफ पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है और गंगा में आई बाढ़ का असर अब यहाँ के प्रसिद्ध घाटों पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। घाटों की तस्वीर अब बिल्कुल बदल चुकी है। घाट की सीढ़ियों से लेकर जितने छोटे बड़े मंदिर हैं वो सभी गंगा की आगोश में जा चुके हैं। फिलहाल गंगा यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं और न सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि अब चेतावनी बिंदु के लगभग करीब पहुँच चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले जो दिन हैं वाराणसी के लोगों के लिए और खतरनाक हो सकते हैं। फिलहाल अगर गंगा की बात करें तो यहाँ पर चाहे वो नाव छोटी बड़ी नावें हों या फिर बजरे हों सभी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यही नहीं, जो घाट किनारे जितने भी पंडे हैं उन्हें भी घाट के ऊपर जाने के लिए कह दिया गया है। और ये इसके अलावा अगर गंगा आरती की बात करें तो गंगा आरती का जो स्थल था उसे भी अब बदल दिया गया है। अब गंगा आरती आप बता दें कि देखिए गंगा आरती का जो स्थल है वो यहाँ पर था, मतलब सीढ़ियों के नीचे हुआ करता था, लेकिन अब उसे बदल कर अब घरों की छतों पर बकाया गंगा आरती का तैयारी और उसका जो स्वरूप है उसे भी छोटा कर दिया गया है। छत पे गंगा आरती हुई है क्यों? माँ गंगा जी का जो जल स्तर है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और चूंकि सावन महीने के वजह से और जो कांवरियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा दर्शनार्थियों की संख्या होने के कारण घाट पे जगह कम है, इसलिए जो माँ गंगा की दैनिक आरती गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित होती है वो गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर संपन्न कराई जा रही है और जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मात्रा में श्रद्धालु लोग आ पा रहे हैं, बाकी लोग का दर्शन जो है आरती का वो घाट पे से ही हो रहा है। हाँ, मैं सावन महीने में बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया था मैं जी, तो मालूम चला कि यहाँ पे गंगा आरती भी गंगा किनारे होती है, उसको देखने के लिए आया था। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। कितनी समस्याएं हुई? समस्याएं तो ऐसा है कि जब बाबा बुलाते हैं तो समस्याएं अपने आप सॉल्व होती चली जाती हैं और इतनी भीड़ में अगर सब कुछ सहज हो रहा है तो ये बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ में भी आनंद आ रहा है।